उस वक्त उसके चेहरे पर किसी किस्म का मलाल नहीं था, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। मैं धीरे से उसके पास गई, फुसफुसाहटों में बोले, मैडम विश्वास बता रहा था कि आप एक नामी साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उससे बात करेंगी, आप तो रोज ऐसे कई पेशेंट का इलाज करते होंगे ना। मैंने सिर हिलाया, सौम्या को आप बेंगलोर ले आइए, मेरे घर में रहेगी, आप चिंता ना करें, अब उसकी गुत्थियों को सुलझाना मेरी जिम्मेदारी है। मोहसिन के चेहरे से लगा कि उनके सिर से कोई भार उतर गया हो। बेंगलोर से मुंबई आने के बाद अगले दिन सुबह सुबह विश्वास का फोन आ गया, वो जैसे ये खबर सुनाने को बेदार थे, सौम्या और मोहसिन का झगड़ा हो गया है। सौम्या ने मोहसिन से यहाँ तक कह दिया कि वह उनमें अपने गोद लिए पिता की झलक देखती है, अब उनके साथ नहीं रहना चाहती, मुझसे मिलने आई थी कल रात, तुम्हारे नाम एक पैकेट दे गई है, जल्द से जल्द तुम तक पहुंचा दूं, ऐसा कहा उसने। मैं वैसे भी नेक्स्ट वीक आ रहा हूं बेंगलोर, तुम्हारी फैमिली से मिलने, तब लेता आऊंगा। कहां चली गई सौम्या? नो आइडिया, तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें पता होगा। मैं उत्सुक थी ये जानने को क्या छोड़ गई है सौम्या मेरे लिए। इससे अच्छा होता कि हम आमने सामने बैठते, कुछ वो कहती कुछ मैं। शनिवार को विश्वास को आना था, उसने एयरपोर्ट से फोन किया, मुझे लगा वो टेक ऑफ की सूचना दे रहा है, पर वो तो तनाव में था। पूर्णा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे लिए गिफ्ट में एक पिस्तौल भेजेगी। सामान की चेकिंग हुई तो उस लिफाफे में एक पुरानी पिस्तौल निकली, पुलिस की पूछताछ चल रही है, साथ में एक लेटर भी है, शायद उससे कुछ क्लू मिले। विश्वास की आवाज कांप रही थी, उसने बताया कि उसने मोहसिन को भी वहां बुलवा लिया है, पुलिस की इंक्वायरी होने के बाद वो फ्लाइट बोर्ड करेगा। आधे घंटे बाद विश्वास का फोन आ गया कि जांच पूरी हो गई, पुलिस ने पिस्तौल अपने कब्जे में कर लिया है और वो रात की फ्लाइट से बेंगलोर आ रहा है। रात 12:30 बजे उसकी फ्लाइट लैंड हुई, मैं पिताजी के साथ उसे लेने एयरपोर्ट पहुंची, वह कुछ बदहवास सा लगा। मुझसे मिलते ही फिर से कहा, तुम्हारे दोस्त ने मेरा पुलिंदा बनवाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे? मैंने कहना चाहा, दोस्त कहाँ थी वो मेरे, हाँ बनाना जरूर चाहती थी जिंदगी के इस मोड़ पर, शायद वो मेरे साथ कुछ बांटना चाहती थी। होटल में विश्वास का कमरा बुक था, हम उसे अपनी गाड़ी से छोड़ने गए। होटल पहुंचते ही उसने कहा, रात बहुत हो गई है, मैं आराम करना चाहता हूँ, कल मिलेंगे। दरवाजा खोल को बाहर निकला, मैं और पापा भी निकले, वो आगे बढ़ गया रूम चेक कराने। उस एक क्षण में मुझे वह निहायत ही आत्म केंद्रित व्यक्ति लगा। इस व्यक्ति के साथ मेरा लंबा चलना मुमकिन नहीं लग रहा। मैंने पीछे से पुकारा, मिस्टर विश्वास, मुझे मेरी दोस्त का पैकेट दे दे अगर आपको आपत्ति ना हो तो। विश्वास झुक कर पीछे मुड़ा, उसने अपना किट बैग खोल कर एक फटा हुआ पैकेट मुझे थमा दिया और इस बार कुछ रूखे स्वर में बोला, मैडम आप दूर ही रखिए अपने ऐसे दोस्तों से मुझे। मैं हल्का सा मुस्करा कर पलट कर होटल से बाहर आ गई। पापा गाड़ी के पास खड़े थे, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। पापा को सोने भेजकर मैंने अपने लिए बड़े कप में चाय बन गई और बालकनी में आ गई। झूले पर बैठकर मैंने छोटा लैंप जला लिया। सोनिया का भेजा पैकेट मेरे हाथ में था, पीले रंग का लिफाफा बुरी तरह खोला गया। गुस्से में मैंने हल्के से लिफाफे पर हाथ फेरा, अंदर से कुछ कपड़ा सा झांक रहा था। ओह, वही पर्स, सिल्क का पर्स जो अपने अंतिम अवस्था में था। पर्स के नीचे कुछ अन्य बड़े बड़े अक्षरों में सौम्या ने लिखा था, मेरी मुक्ति का दिन आ गया है, जीने की वजह नहीं रही, जिस वजह गुस्से और सीने में धधकते आग के साथ जी रही थी वो मर गया। अब बड़ा तोहफा देने जा रहा है, उसने मुझे ऐसा तोहफा दिया कि तोहफों के नाम से नफरत हो गई। रातें मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर होती थी, घर में सबको पता था पर कोई कुछ कहता नहीं था। एक अनाथ बच्ची को रहने खाने की जगह दे देते,
क्या ये कम था? मैं घर से भाग गई उस राक्षस को से बचने के लिए। मैं अपने आप से भागती रही, ड्रग एडिक्ट बन गई, कॉल गर्ल बन गई, मौका ढूंढती रही कि जिंदगी में एक बार जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगी कि उसी के पीछे पीछे मैं नेपाल से दिल्ली, दिल्ली से गोवा और फिर मुंबई आ गई। मोहसिन के साथ रहना मेरे लिए मुफीद था क्योंकि सेक्स में उसकी रुचि नहीं थी। मेरे रहने का प्रयोजन खत्म हो गया, वो मर गया। मैंने बहुत पहले नेपाल, इसमें से मुझे माँ की खुशबू आती थी। पता नहीं तो मैंने क्या है, मुझे समझने की कोशिश मत करना, पर इस समय मैं और किसी से नहीं कह सकती कि मैं मुक्त हुई। मेरे हाथ से पन्ने फड़फड़ा कर उड़ने लगे। मैंने रोकने की कोशिश नहीं की, सौम्या को मुक्ति चाहिए थी, उसे मुक्त होना ही था। जिन व्यक्तियों से हमें उम्मीद होती है कि हमारा पालन करेंगे,
जिन व्यक्तियों से हमें उम्मीद होती है कि वो दूसरों से हमें बचाएंगे, जब वो व्यक्ति अत्याचार करते हैं तो उससे ज्यादा घृणित स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि जिन लोगों के जीवन में प्रेम नहीं होता, विश्वास नहीं होता, विश्वासघात से जिनके जीवन की शुरुआत होती है, उनके जीवन में जीने के लिए एकमात्र आसर कोई उद्देश्य। सौम्या के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था उस व्यक्ति को सजा देना, उस व्यक्ति की हत्या करना जिसने उसके बचपन की हत्या कर दी थी, जिसने उसके जीवन की हत्या कर दी और जिसने उसे जिंदा लाश रूप कर दिया था। उस गुस्से को अपना हथियार बनाकर वो पूरा जीवन जी गया, तलाश करती रही अपने लिए सुख, कभी ड्रग्स में, कभी सेक्स में, गौर गर्ल बन के, कभी समाज के विरुद्ध, वो सब करके जिसे हमारे यहाँ अच्छी लड़कियां नहीं करती, वो एक बुरी लड़की बन के एक चौंका कर कुछ ऐसा करना चाहती थी कि उसके अंदर जो एक गुस्से की आग है वो कभी ठंडी ना हो और वो अपने काम कर जाती। लेकिन जब वो व्यक्ति स्वयं मर जाता है तो उसके जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है जिसके लिए अच्छी लड़की थी, और तब उसके सामने कोई चीज बाकी नहीं रहती जिसके लिए वो जिंदा है। आत्महत्या को कई लोग कायरता मानते हैं। मुझे लगता है आत्महत्या दरअसल उस समाज के प्रति व्यक्ति का तिरस्कार है जिसको समाज ने धोखा दिया है। समाज को पूरे तौर पे त्यागने की बात है, उस पर थूकना है एक तरह का कि तुम मेरे लायक नहीं थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। और यही काम सौम्या करती है। तुम मेरे लायक नहीं, तुम एक बच्ची को सुरक्षा नहीं दे पाए, तुम एक बच्ची को बड़ा होते नहीं दे पाए, तुम एक बच्ची को जीवन नहीं दे पाए। जिस समाज में एक स्त्री को सम्मान से जीने का हक नहीं है, उस समाज में रहकर वो क्या करे जब वो राक्षस की समाप्त हो गया जिसे मारने की उसने कसम खाई थी। इच्छा नहीं। इस तरह सौम्या जी कहानी, इस कहानी को हमने थोड़ा छोटा किया है इसलिए इसके कुछ हिस्से है जो आप लोगों ने नहीं सुने और जिसमें है। इस कहानी में कई कई परतें हैं, पूर्णा और विश्वास की परत भी है कि हमारे यहाँ शादी के बिना किसी स्त्री की जिंदगी कंप्लीट नहीं समझी जाती, पूर्ण नहीं समझी जाती। माँ बाप चाहते हैं कहीं ना कहीं सेटल जिसे कहना करते हैं सेटल कर हो जाए, और वो सेटलमेंट उन्हें लगता है शादी से होता है। लेकिन जिस समय विश्वास विश्वास में खरा नहीं उतरता, जिस समय विश्वास को उसके दृढ़ देखती है, उस समय पूर्णा विश्वास को नकाम देती है। और ये भी एक परत है उस कहानी की जो दिखाती है कि स्त्री अपने पैर पर पूरी तरह खड़ी होकर स्वनिर्भर होकर अपने बारे में स्वयं निर्णय लेकर अपने जीवन के प्रति सच्ची और ईमानदार हो सकती है। तो जयंती की कहानी कई स्तरों पर जीती हुई समाज के अंदर के उस घिनौने कोड़ को भी दिखाती है जो आगे जाते वर्ग और उन सबके अंदर छिपा हुआ है जिनको हम समझते हैं कि ये इज्जत वाले लोग हैं। कई बार इज्जत वाले लोग बहुत बेइज्जत भी हैं, और ये भी बताती है कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से चीजों को मन में लगाते हैं और किस तरह मन में लगाई हुई बच्चे से कई बार उन्हें बहुत आगे ले सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत कहानी है, ये बहुत दर्दनाक कहानी है, ये बहुत तकलीफ देह कहानी है। और कल रात में जयंती से बात कर रही थी किसी के बारे में, और बात करते करते मैंने उससे कहा कि आखिर सौम्या ने सुसाइड क्यों किया। जयंती ने कहा कौन सौम्या? मैंने कहा जिसकी रात में सुबह नहीं, वो मेरे लिए हकीकत बन चुकी है। सौम्या मुझे पात्र नहीं लगती। जयंती भूल गई थी कि उसकी कहानी की पात्र है, पर जब मैंने उससे कहा आप तुम क्या समझती हो सौम्या क्यों बने, एक क्षण के लिए वो चौंक गई कि सौम्या तो हम किसी को जानते नहीं, हमारी पहचान की कोई सौम्या नहीं है। मैंने कहा वही सौम्या जिसकी रचना तुमने की है, तुम्हारी बेटी। ये मेरे विचार से किसी भी कहानी की सबसे बड़ी सफलता है। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Wow.